शब्द जो हैं हमारे सबके शब्द हैं जो ज़बान से निकलते हैं और दिल तक जाते हैं, है ना। लता जी ने इन शब्दों को एक डांस फॉर्म में, अलग अलग डांस फॉर्म में आकर्षित करके ये इवेंट किया है ऑन द वर्ल्ड डांस डे। बहुत अच्छा इवेंट है, हर एक परफॉर्मेंस जो वहाँ हो रहा है एक्चुअली दिल को छू रहा है। तो शब्द जो है वो हमारे हो, आपके हो, किसी के भी हो, दिल को छूते हैं। सोच समझ कर बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। और ये जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, लेजेंड्स भी हैं, न्यू कमर्स भी हैं, यूथ भी है। तो फ्यूचर जनरेशन को जो ये एक इंस्पिरेशन देती हैं, बहुत अच्छी गुरु हैं लता जी, सबकी गुरु हैं, बहुत लोगों को उन्होंने सिखाया है, सिखा रही हैं। इस एज में इतना एक्टिव रहना और ये काम करना मजाक नहीं है। तो रियली हैट्स ऑफ टू हर फॉर डूइंग व्हाट शी इज डूइंग। मैं इंदिरा कृष्णा हूँ और मैंने बहुत सारे शोज़ टेलीविज़न पर किए हैं, मैंने फिल्म्स किए हैं और आई थिंक मैं बहुत आभार हूँ डॉक्टर लता सुरेंद्र जी की कि मैं आज इस मौके पर मैं यहाँ माटुंगा में मैसूर एसोसिएशन में जो शब्द चल रहा है उसकी मैं एक भाग हूँ। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज इस संस्कृति को हम लोग आज तक इतने प्यार से, इतने सुंदरता से हम लोग यहाँ तक लेकर आए कि आज इतने बड़े लेजेंड्स जिन्होंने पद्मश्री पाया है और पद्मश्री के अलावा उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस नृत्य के लिए ही, इस कला के लिए ही अर्पित किया है। डॉक्टर लता सुरेंद्र भी एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने आई थिंक अपने 3 decades मतलब 30 सालों तक उन्होंने अपने आप को इस जर्नी में अपने आप को समर्पित किया है। वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट माई डांस प्रेजेंटेशन इन भरतनाट्यम जर्नल। माई प्रेजेंटेशन इज एन अर्धनारीश्वरी स्तोत्रम एंड द शब्द रिलेटेड टू दैट स्तोत्रम इज नम शिवाय। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुपमा हर्षल, तालमणि पंडित बिरजार मिश्रा कला फाउंडेशन को यहाँ सम्मिलित करने के लिए कलाश्री लता सुरेंद्र जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब ने देखा है कि गत कुछ काल में हम सभी कहीं गुमसुम, कहीं खामोशी में, एक अकेलेपन में जी रहे थे। क्या बेहतर होगा इससे कि अलग अलग वर्णमाला के अक्षरों को लेकर जोड़ के एक कड़ी बनाई जाए, एक सेंटेंस या जिसे हम कहें एक वाक्य बनाया जाए, उस तरह से अलग अलग मोतियों को, अलग अलग प्रकार के नृत्य प्रकारों को सम्मिलित करके शब्द इस महोत्सव की जो रचना की गई है ये बहुत ही उल्लेखनीय है। इससे जितने भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनमें एक नई ऊर्जा और एक नया जोश, जैसे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि सडनली एक खामोशी, एक चुप से वो अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। तो इससे बेहतर इसका नाम या इस महोत्सव की संरचना हो ही नहीं सकती थी और इसमें सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को, वर्णमाला को जोड़ के ये जो एक कड़ी बनाई है ये शब्द है और उल्लेखनीय एक कार्य है कलाश्री लता सुरेंद्र जी का। धन्यवाद। टुडेज टॉपिक द क्रिएटिव आइडिया ऑफ लता सुरेंद्र इज अमेजिंग। इट्स द वर्ड, द शब्द एंड द मोस्ट रिवर्ड शब्द फॉर ऑल ऑफ अस इज गुरु। गुरु, द होल सिलेबल इज वर्शिप्ड बाय ऑल ऑफ अस। भू शब्द स्वंधकार स्यात्, रू शब्द स्तन निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु द सिलेबल मीन्स इग्नोरेंस ऑफ डार्कनेस। रू द सिलेबल मीन्स रिमूवर ऑफ डार्कनेस। द वन हु डिस्पेल्स डार्कनेस इज गुरु। शब्द एक ऐसा चीज है, शब्द से ही ये पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है। अगर शब्द नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अगर मीन्स हमारा जो डांस का प्रोग्राम है वहाँ पे जो ताल है वो शब्द से ही है। सो लता अक्का ने, कलाश्री लता अक्का ने बहुत ही अच्छा एक क्रिएशन लाए हैं, थीम लाए हैं जो है शब्द के ऊपर।
शब्द को ना हम वर्णना कर सकते हैं, शब्द को ओनली फीलिंग कर सकते हैं, शब्द को हम देख नहीं सकते. सो एज अ विजुअल स्टोरी टेलर इट्स माई फॉर्चून की टुडे आई विल मीन्स शब्द को एक कैनवस में पोट्रे करूँगा विथ डांस स्टाइल. सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Everything has such deep meaning and significance, but that apart, we see in our real life too that words can make, words can break, words can encourage, words can discourage, words can ruin lives. I'm presenting the story of Kunti. One word, one mantra given by her guru changed not just her life, but the course of history, the Mahabharata war, everything because of that one word. And finally, when she reveals it to Karna, did that word help, or would silence have been better? An occasion to bring all the dancers together and celebrate this World Dance Day with so many beautiful classical dance forms. Due to this pandemic, I think 2 years, all the dancers have been performing online and we've been missing stage a lot. But this effort and intention of Kalashree Dr. Lata Surendra to get all the dancers back on stage and celebrate World Dance Day together. I am Aishwarya Harish, daughter and disciple of Guru Srimati Dr. Jayashree Rajagopalan. My pranams to my Paramaguru Padma Bhushan Dr. Padma Subramanyam. I am extremely happy, humbled and honored to be part of this festival, which has such a wonderful lineup of senior gurus as well as beautiful talented artists with whom I will be performing today. A concept like this, Shabda as its concept itself, is so unique yet so relevant. It is part of our everyday life. As dancers, we are constantly playing with a word and bringing out so many emotions to that one word with its many meanings. And to bring that on stage is a wonderful creative challenge that we thoroughly enjoyed the process of. Om Sadgurubhyo Namaha, Om Shri Sai Ram. I am Dr. Jayashree Rajagopalan, the disciple of my revered guru, Padma Bhushan awardee, Dr. Padma Subramanyam. The greatest inheritance that we all have is the performing arts, which takes the antiquity of our culture to very ancient times, to several thousands of years, and it becomes our duty as performing arts to take forward what we have received from our gurus to the next generation. I have established Nrityodaya, the Academy of Performing Arts, Mumbai, in 1976, and you can well imagine for how many years we have been dedicating ourselves to propagating this art. Shabda Festival, arranged by Dr. Lata Surendra, Kalashree Lata Surendra, encouraging all the dance styles and established dancers, upcoming dancers, young dancers, giving them platform. You know, dance is mother of all arts. It has so much of capacity to give you peace, harmony, spiritual joy, creativity. And in this pandemic, it is a great savior. And by arranging such festivals, I think it will really encourage all the young dancers, musicians, all art forms. This is not about an event, because I feel that a day is not what we celebrate as dance. What led to this day and
from where it goes onwards to what, that is very important, because this today is built on the foundations of the great contributions of great legends in various styles, whose names are the styles because that is the contribution that they have made. They are legends because they have transformed dance to a visual prayer. And my aim in creating Shabd mainly was that, because it's a world of hashtags and the poetry in life is totally vanishing. And without poetry, bina kavita hamare andar agar kavita nahi hai, to hum pashu ban jate hain. I think nowadays it's very important in this world of breaking news that we connect to the cosmos that we can gather within us. And as Bharata's Natya Shastra says, I mean, it is a tool for enlightenment, dance and music, because through the dance, a man can lift himself beyond this physicality. Namaste, Shri Gurubhyo Namaha. This is Sunil Sunkara from the World Forum for Art and Culture, which is the cultural wing of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar's Art of Living Foundation. जब हम नृत्य या संगीत के बारे में सोचते हैं तो भारत के इतिहास में 7700 साल पहले जब श्री राम इस भूमि पर थे तब कुशीलव प्रथा की शुरुआत हुई और उस दिन से आज तक इस धरती पर हमेशा नृत्य और संगीत द्वारा ये पुरानी जो शब्दों की माया है उसे उजागर करते हैं. ये शब्द होते हैं देवताओं के नाम, उनके प्रसंग, उनके अलग अलग जो कर्म है, ताकि उनके कार्य हम हमारे जीवन में ला सके. एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ कंप्लीट विद द फोर पुरुषार्थस. आजच्या कार्यक्रमामध्ये मी जो परमशब्द आपल्या सगळ्यांच्याकरता महाराष्ट्राचं दैवत विठ्ठल त्याच्याबद्दलचं सादरीकरण करणार आहे. तुकारामांच्या काही अभंगांवर आधारित असं हे सादरीकरण असेल. आणि हा जो भक्त आहे त्याला एकच आस आहे की मला कधीतरी विठ्ठल दिसावा, आणि ती आस मनात घेऊन तो विठ्ठलाशी संवाद साधतो आहे. तो संवाद करता करता तो त्याच्यावर चिडतो, त्याच्यावर रागावतो, त्याला म्हणतो की आता तू मला भेटला नाहीस तर मी इथेच तुझ्या पायाशी माझं मरण येईल. आणि अशा वेळेला तेव्हा जेव्हा त्याला विठ्ठल दिसल्याची अनुभूती मिळते तेव्हा तो एकच शब्द त्याच्या मनामध्ये असतो, तो म्हणजे पांडुरंग विठ्ठल. पुन्हा एकदा लता सुरेंद्रजींचे खूप खूप आभार की मला या शब्द महोत्सवामध्ये सामील करून घेतलं. धन्यवाद.